दुनिया के पांच सबसे खतरनाक पक्षी पार्ट टू। नंबर 6, फाल्कन। फाल्कन दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में आते हैं, जो उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षियों में है। और यह न केवल छोटे स्तनपायी और मछली बल्कि इंसानों तक को मारने की काबिलियत रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसके और इसके शिकार के बीच में आ जाए या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो यह उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल भी कर सकते हैं। बहुत से लोग इन्हें शिकार के लिए भी पालते हैं। नंबर 7, रहेया। ये पक्षी शतुरमुर्ग से मिलता जुलता है और इसकी ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट और वजन 27 से 40 किलो तक का हो सकता है। और इसकी टांगे तथा 6 इंच तक लंबे पंजे बहुत ही मजबूत और तेज होते हैं, जो किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। दूर से देखने पर यह पक्षी बहुत ही शांत नजर आते हैं, लेकिन पास जाने पर ये तुरंत ही प्राण घातक हमला कर सकते हैं और रीढ़ की हड्डी को अपने एक ही वार से तोड़ सकते हैं। नंबर 8, पिटोहुई। ये दुनिया के अब तक के ज्ञात 3 विषैले पक्षियों में से है, जिनकी खाल और पंखों में जहरीला विष पाया जाता है। पापुआ न्यू गिनी के लोग इस पक्षी के ना खा पाने के कारण इसे बकवास पक्षी भी कहते हैं। अगर कोई इसे पकड़ ले तो उसे जलन, सर चकराना, बेहोशी जैसे लक्षण हो सकते हैं। नंबर 9, हेरिंग गुल। रिंग गुल को बहुत ही आक्रामक पक्षी माना जाता है और यह अन्य पक्षियों और जानवरों से भी लड़ने के लिए बदनाम है। आमतौर पर यह कूड़े के ढेर और कबाड़ इलाकों के आसपास पाया जाता है, जहां यह इंसानों से भी खाना छीनने से बाज नहीं आते। इसे दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों पर हमला करने वाला पक्षी माना जाता है। इसकी 6 फीट के पंखों का फैलाव, ब्लेड जैसे चोंच और पैने पंजे किसी को भी बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। नंबर 10, सीगल। सीगल आमतौर पर समुद्री किनारों पर शिकार की तलाश में रहते हैं और देखने में एकदम प्यारे और भोले भाले लगते हैं, लेकिन इनको शिकारी लोग ही जानते हैं कि यह कितने तेज और खतरनाक हो सकते हैं। आमतौर पर यह इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई भी खाने की वस्तु है तो और आप इन्हीं के इलाकों में हो तो यकीन जानिए आपका खाना छीने जाने के पूरे चांस है। और अगर आप इनके घोंसलों के पास जाने की कोशिश करते हो तो ये झुंड में आप पर प्राण घातक हमला कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।